लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर गैस एजेंसी के मैनेजर से हुई लूट का खुलासा। मैनेजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाई लूट की योजना। जिला अस्पताल में तैनात निजी कंपाउंडर ने रची थी साजिश। मैनेजर ने कंधे पर चीरा लगवाकर पिस्टल की गोली रखवाई तो मैनेजर ने गोली मारकर लूट होने का ड्रामा रचा और पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो आरोपियों से रुपए, पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी निजी कंपाउंडर ने ही रची थी लूट की साजिश, जिसका खुलासा अब पुलिस ने कर दिया है। तो लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर गैस एजेंसी के मैनेजर से हुई लूट का खुलासा हुआ। मैनेजर ने अपने ही साथियों के साथ मिलकर ये लूट की योजना बनाई थी। ऐसा किया है, बताते हैं कि इमरजेंसी में कंपाउंडर प्राइवेट तौर पे काम करता था, जो कि गोली जिसने इम्प्लांट की है एक लूट के उसकी। नहीं, हमारे इस तरह का कोई प्राइवेट आदमी काम नहीं करता है, ये कहना सरासर गलत है। तो पुलिस का ऐसा कहना है, उसकी सरकारी पुलिस नहीं, ये गलत आरोप है। तो मैनेजर ने कंधे पर चीरा लगवाकर पिस्टल की गोली रखवाई। मैनेजर ने गोली मारकर लूट होने का ड्रामा रचा पूरा और पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो आरोपियों के पास से पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस। आरोपी निजी कंपाउंडर ने ही लूट की पूरी साजिश रची थी। अवध जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव, ज्यादा जानकारी के लिए। अवध, इस पूरे मामले का खुलासा तो पुलिस ने कर दिया है, आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या साजिश रची गई, आपसे जानना चाहेंगे। अवध, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश की जाएगी संपर्क साधने की। तो बता दें आपको कि गैस एजेंसी के मैनेजर के साथ लूट हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, और अब उस लूट का खुलासा हो गया है, जिसमें ये सामने आया कि मैनेजर ने अपने ही साथियों के साथ मिलकर इस लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया था। अवध जायसवाल हमारे वरिष्ठ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। तो अवध, आपसे जानना चाहूंगी, लूट का खुलासा तो पुलिस ने कर दिया है, आखिर कैसे साजिश को अंजाम दिया, कैसे साजिश रची गई, बताइए। देखिए ऋतु, आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा खुलासा है और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिला अस्पताल में बनाई गई जो चिकित्सा रिपोर्टें होती है उसी के आधार पे जो कानूनी पक्ष की कार्रवाई होती है और मुकदमे की मजबूती होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिला अस्पताल में इतना बड़ा रैकेट चल रहा था और ना CMS को पता था, जबकि खुले रूप से जो डॉक्टर हैं उनके गुर्गे हैं जो इमरजेंसी वार्ड में तैनात रहते हैं और इस तरीके के कृत्यों का अंजाम देते हैं। इसके बावजूद भी जब अधिकारियों से बातचीत की जाती है, अधिकारियों को समझाया जाता है कि इस तरीके के लोग कृत्य का अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने जो खुलासा किया है वास्तव में बहुत अहम खुलासा है। कैसे पुलिस को ये कामयाबी मिली अवध, आखिर कौन सा ऐसा क्लू मिला जिससे ये सामने आया कि आखिर ये मैनेजर खुद ही इस पूरी वारदात में शामिल था, पूरा ड्रामा रचा अपने साथियों के साथ मिलकर? हाँ देखिए, आज से 2 सप्ताह पूर्व एक घटना होती है, जिस घटना के बाद ये बताया जाता है कि 1,49,000 रुपए हमसे लूट लिए गए। घटना के बाद जब मामला पुलिस के सामने आता है, पुलिस के मुकदमा दर्ज तो कर लेती है, लेकिन पुलिस को शुरू से ही शक हो जाता है, क्योंकि जो बुलेट डाली गई थी ऑपरेशन करके, वो बुलेट कहीं ना कहीं से जो उसके निशान जो थे ऑपरेशन के निशान, वो पुलिस को नजर आ रहे थे। पुलिस ने इसीलिए इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल सुई की जो पुलिस की रडार थी वह वादी पर ही घूमी और वादी को, वो रडार पे थे, वादी को किया जा रहा था, ट्रेस किया जा रहा था और ट्रेस करने के दौरान उसके संपर्क जो थे पता चले। हमारे साथ आपसे जानकारी लेंगे, CMS RC अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। आरती, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, सुन रही है जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और कैसे आखिर जानकारी मिली कि इस पूरे मामले में, क्योंकि चीरा लगाकर उसमें बुलेट डाली गई थी। अब इसके बारे में पुलिस ने ये बताया है और हमारे जो आरसी जी, सबसे बड़ी बात ये कि सरकारी अस्पताल के ही एक कंपाउंडर के द्वारा ये पूरी साजिश रची गई है। नहीं, हमारे यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है इस नाम से, ना ही कोई काम करता है, ये भ्रामक खबर है।
इसमें ये सामने आया है कि ये कंपाउंडर काम करता था अस्पताल में? नहीं, हमारे यहाँ काम नहीं करता कोई इस तरह का आदमी। फिर ये अस्पताल में कैसे पहुंचे? हेलो जी, अस्पताल में पहुंचा कैसे फिर ये? नहीं, अस्पताल में आया हूँ किसी के साथ। अस्पताल पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है। नहीं तो चीरा लगवाकर इस तरीके से पिस्टल की गोली डलवा देना अस्पताल में जाकर, ये कैसे हो सकता है? अस्पताल कैंपस में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ये खबर गलत है। आरसी जी, ये खुलासा हुआ है कि अस्पताल में ये सारी चीजें हुई है और आप कह रहे हैं खबर ही किसने कहा है? किसने कहा अस्पताल में हुआ है? हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवध जयसवाल, हमारे संवाददाता अवध जी हमारे साथ आरसी अग्रवाल जुड़े हुए हैं सीएमएस, उनका कहना है कि खबर ही गलत है। नहीं, इनसे हम एक सवाल करना चाहेंगे रितु जी, इनसे सवाल करिए कि जो पुलिस ने नोट जारी किया उसमें लिखा है कि जिला अस्पताल के कंपाउंडर प्राइवेट कंपाउंडर था, तो क्या यह पुलिस अधीक्षक पर कोई नोटिस देंगे या पुलिस अधीक्षक को कोई कार्रवाई करेंगे? बताइए, जवाब दीजिए अब आरसी जी। क्या पूछ रहे हैं? प्रेस नोट में लिखा हुआ है ये बात जो पुलिस की तरफ से जारी हुआ है कि जिला अस्पताल का कंपाउंडर था जो इस साजिश में शामिल था, आप कह रहे हैं खबर गलत है? हमारे यहाँ इस नाम पर कोई कर्मचारी नहीं है, ना ही कोई काम करता है। तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए ना, आप क्या करेंगे आगे फिर बताइए, क्योंकि फिर तो अस्पताल को बदनाम करने की साजिश है ना। नहीं तो सीएमएस साहब, क्या पुलिस अधीक्षक को नोटिस देंगे? हेलो आरसी जी, अब क्या आप नोटिस देंगे, क्योंकि प्रेस नोट में ये जारी किया गया है कि जिला अस्पताल में ये कंपाउंडर काम करता था। चलिए, फोन काट दिया है आरसी अग्रवाल साहब ने, उनका तो ये कहना है कि इस पूरे मामले में कोई कंपाउंडर था ही नहीं, जिला अस्पताल में वो काम भी नहीं करता था। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें जी, अवध जयसवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवध, ये बात कही है आरसी अग्रवाल ने कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपाउंडर जिला अस्पताल में था ही नहीं। रितु, आपको बता दें कि सबसे बड़ी लापरवाही सीएमएस की रहती है कि जो जिला अस्पताल में दर्जनों प्राइवेट लोग काम करते हैं और जो जिनको एबीसीडी की भी नहीं पता है, कक्षा 8 पास भी नहीं है, और जो मरीज है उनके कई इंजेक्शन लगाते हैं, कई ट्रीटमेंट करते हैं, ये जो निजी जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा निजी गुर्गे रखे गए हैं, जो मरीजों से अवैध वसूली भी करते हैं, और इस बात का कई बार खुलासा किया जा चुका है, लेकिन सीएमएस साहब सिक्कों की कड़कड़ाहट के सामने घसाट बने हुए हैं। बिल्कुल अवध, और अगर इस तरह का कोई कंपाउंडर काम नहीं करता है तो आखिर किसकी हिम्मत हुई कि अस्पताल में जाकर इस तरह से इतनी बड़ी साजिश रच ले, चीरा लगवा दे, अंदर पिस्टल की गोली डलवा दे, मतलब इतना बड़ा खेल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि अस्पताल में हुआ ही नहीं है ये, और अगर इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ तो प्रेस नोट में तो ये जारी हुआ, इनको फिर एक्शन लेना चाहिए कि अस्पताल को बदनाम करने की साजिश है। ये क्या एक्शन लेंगे, जिसके मकान जो कांच के होते हैं दूसरों पर पत्थर क्या फेंकेंगे? इनके एक्शन लेने के बाद कई बार मंडलायुक्त ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया, जिलाधिकारी ने भी इनसे कई बार कहा, उसके बाद ये जो जब से आरसी अग्रवाल डॉक्टर साहब आए हैं तब से इनके यहाँ और भी दर्जनों लोग बढ़ गए हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। आप एक समझ लीजिए कि ऋतु कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े मुकदमे, एक छोटे से मुकदमे में गोली लगवा के 307 का मुकदमा, लूट का मुकदमा बना दिया गया, जो इसमें आरोपी गिरफ्तार होते या किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है, निर्दोष जेल जाते और कई कई सालों की सजा काटते, लेकिन इनको इस बात की परवाह नहीं है। बात की जिला अस्पताल के प्रशासन की भी मिली भगत तो रही होगी ना, तभी इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया गया। तो आरसी अग्रवाल साहब ये बता देना कि पुलिस अधीक्षक को क्या नोटिस देंगे, जब पुलिस अधीक्षक खुद कह रहे हैं, बाइट में कह रहे हैं, और जो प्रेस नोट उन्होंने जारी किया उन्होंने कहा है कि जिला अस्पताल के प्राइवेट कंपाउंडर था जो ये मनोज श्रीवास्तव इस तरीके का कृत्य करता था। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ पर अवध। सीएमएस साहब अभी हमारे साथ जुड़े, वो तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है अस्पताल का, लेकिन प्रशासन का क्या कहना है, पुलिस प्रशासन का, चलिए आपको पहले वो सुनाते हैं। सर, एक घटना का खुलासा हुआ है, क्या है? थाना कोतवाली सदर खीरी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें ये दर्शाया गया था कि एक व्यक्ति को गोली लगी है और वो सड़क के किनारे पाया गया था। उस घटना में विवेचना के क्रम में ये पाया गया कि वो जो इंजरी का मार्क था वो गन शॉट इंजरी नहीं होना पाया गया, जिसके बाद पुलिस को शक इस पे गहराया और इसकी गहराई से जब विवेचना की गई तो ये तथ्य सामने आया कि उस व्यक्ति के द्वारा जिस गैस एजेंसी में वो काम करता था उसके 1,39,000 रुपये उसके कस्टडी में थे जिसको लेके जा रहा था। उन पैसों को हड़पने की नीयत से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पूरी घटना को, एक नकली घटना को रचित किया
और उसने अपने साथी के माध्यम से एक बुलेट .32 बोर का अपने। चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।